इमेजिन कीजिए, आप टीवी पर क्रिकेट वर्ल्ड कप देख रहे हैं और तभी ऐड आ जाती है। बहुत बुरा लगता है, पर क्या आप जानते हैं इस दुनिया की सबसे लंबी ऐड कितनी देर तक चली थी? जी हाँ, वो सेकंडों और मिनटों के लिए नहीं बल्कि घंटों तक चली थी, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, जो कि 14 घंटों की लंबी ऐड थी। जी हाँ, इतनी देर में तो यहाँ पे लोग टीवी तक तोड़ देंगे। मत दिखाओ तोड़ इतनी मत ऐड, क्यों जाएगी, मत दिखाते हो तोड़, इतनी मत ऐड, बंद करो करो ऐसा, यार। मत कर। गाइज, आज हमारा टॉपिक रहेगा कुछ ऐसे ही अजीब और यूनिक फैक्ट्स के ऊपर, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन द वीडियो। आप सभी लिविंग थिंग्स के बारे में तो जानते हैं, जैसे कि कोई भी इंसान, पक्षी, जीव या फिर समुद्री जीव, पर क्या आप जानते हैं पेरू और चिली, ये दो ऐसे देश हैं जहां पर ऐसा पत्थर भी पाया जाता है जिसमें जान होती है और उसे अगर तोड़ा जाए तो उसके अंदर से खून निकलता है और वहां के लोग उस पत्थर को खाते भी हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे ब्लड यानी कि खून का कलर लाल होता है, पर क्या आप जानते हैं सल्फीमोग्लोबिनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक पर्सन का खून हरे रंग का हो जाता है और वो धीरे धीरे पूरे हरे रंग का हो जाता है, जैसे कि हल्क हो। वोक्स वैगन इस दुनिया का सबसे अमीर कार ब्रांड है, क्योंकि वोक्स वैगन ने बेंटले, बुकाटी, लैम्बोर्गिनी, ऑडी, डुकाटी और पोर्शे जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद रखी हैं और ये सारी कंपनी उसी के अंडर आती हैं। अगर मैं कहूं आपका शरीर 1300 करोड़ साल पुराना है तो क्या आप मानेंगे? पर ये एक ट्रुथ है। जी हाँ, क्योंकि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये ब्रह्मांड 1300 करोड़ साल पहले बना था और तब भी मैटर था, और मैटर को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता और ना ही बना सकता। इस हिसाब से आपका शरीर 1300 करोड़ साल पुराना है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो आप कर देंगे। अगर मैं कहूं किसी भी 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करो, जैसे कि 23 × 43, तो शायद आप कर देंगे। और जैसे ही मैं इन्हें बढ़ाता जाऊंगा तो डिफ़िकल्टी बढ़ती जाएंगी, एक लिमिट तक आप कर देंगे, पर एक लिमिट के बाद आप नहीं कर पाएंगे। पर क्या आप जानते हैं शकुंतला देवी, जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है मल्टीप्लिकेशन का, उन्होंने 13 डिजिट को मल्टीप्लाई किया था, जो कि था 7686369774870009745607479। इनको मल्टीप्लाई किया था उन्होंने सिर्फ 28 सेकेंड में, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बियर ग्रिल्स को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, चाहे उनके नाम से नहीं पर उनके शो के नाम से जरूर जानते होंगे, जो कि मैन वर्सेस वाइल्ड था। पर क्या आप जानते हैं एक ऐसे ही शो के दौरान जब बियर ग्रिल्स को 16,000 फुट ऊपर से कूदना था तो उनके पैराशूट में एक छेद हो गया, जिसके कारण वो ठीक से लैंडिंग नहीं कर पाए और उनकी बैकबोन पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गई, और डॉक्टर ने कहा कि वो जिंदगी में कभी भी नहीं चल पाएंगे। और उसी 2 साल के बाद बियर ग्रिल्स ने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कर दिया। आप सभी ने एक सिटी का फ्लैग देखा होगा, एक कंट्री का फ्लैग देखा होगा, यहाँ तक कि एक यूनियन का भी फ्लैग देखा होगा। पर क्या आप जानते हैं हमारी अर्थ का भी एक फ्लैग है, और वो फ्लैग ये है। जब भी किसी इन्वेंशन का नाम आता है तो सभी मेल साइंटिस्ट की तरफ भागते हैं और ये नहीं जानते कि फीमेल साइंटिस्ट ने भी हमारे लिए बहुत सारी इन्वेंशन की हैं। सब मैरी क्यूरी को तो जानते हैं, जिन्होंने रेडियम बनाया था, पर क्या आप जानते हैं और भी वुमेन हैं जिन्होंने बहुत सारी इन्वेंशन की हैं, जिसमें से एक है बुलेट प्रूफ वेस्ट, फायर एस्केप्स, विंडशील्ड वाइपर्स और लेजर प्रिंटर्स। शांति इस दुनिया में किसको पसंद नहीं, पर क्या आप जानते हैं माइनसोटा और फील्ड लेबोरेटरीज में दुनिया का सबसे शांत रूम है, जिसकी बैकग्राउंड नॉइस है 9.4 डेसिबल्स, और माना जाता है कि वहाँ पर बस आप अपनी दिल की धड़कन और सांसों को ही सुन सकते हैं, पर जिसका रिकॉर्ड हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के रूम ने तोड़ दिया, जो कि अब फर्स्ट नंबर पर। टकीला एक अल्कोहल ड्रिंक है, पर क्या आप जानते हैं मैक्सिकन साइंटिस्ट ने टकीला पर एक्सपेरिमेंट किया, उसे 800 डिग्री सेल्सियस पर हीट करा तो उन्होंने देखा कि टकीला डायमंड में बदल रही है। इंग्लिश अल्फाबेट एक्स डिस्कवर हुआ था एक लेटर लिखते हुए, जिसे डिस्कवर किया था ब्रिटिश नेचुरलिस्ट गिलबर्ट वाइट ने 1763 में,
और उसका यूज उन्होंने एक किस को रिप्रेजेंट करने के लिए किया था। गाइस, अगर आपके हाथ में एक एप्पल मैकबुक है तो आपको किसी भी गोली चलाने वाले से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि एप्पल की मैकबुक की बैटरी बुलेट प्रूफ बैटरी होती है जो कि एक गन के शॉट को भी सह सकती है। देयरफॉर यू शुड बाय एप्पल मैकबुक। ये फैक्ट थोड़ा सा अजीब और थोड़ा सा यूनिक फैक्ट है, पर क्या आप जानते हैं गर्ल जो कि यूज़ होता है एक फीमेल जेंडर को दर्शाने के लिए, वो 1300s में ही लोग यूज़ करते थे किसी भी बच्चे को दर्शाने के लिए या फिर किसी भी यंग पर्सन को दर्शाने के लिए, चाहे फिर वो लड़का ही क्यों ना हो। गाइस, जब इस दुनिया में अलार्म क्लॉक नहीं होती थी हमें उठाने के लिए, तो जानते हैं लोग कैसे उठते थे? जी हाँ, उस टाइम पे अलार्म क्लॉक की जगह अलार्म ह्यूमंस होते थे, जो कि एक कल्चर शुरू हुआ था ब्रिटेन से ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। आप सभी ने MDH मसाले की एड तो ज़रूर देखी होगी, पर जो उसमें एक्टर हैं, जी हाँ, धर्मपाल गुलाटी, वो इस दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट और एक्टिव CEO हैं, जो कि अभी 96 साल के हैं और आने वाले 27 मार्च को वो 97 साल के हो जाएंगे। गाइज, डू यू नो प्लेटिपस एक ऐसा जानवर है जिसके अंदर स्टमक यानी कि पेट नहीं होता। उसका खाना सीधा एसोफेगस यानी कि खाने की नली से डायरेक्टली इंटेस्टाइन में जाता है, और बीच में ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो कि उस खाने को पचा सके। शार्क के पेट में यूजुअली 12 बच्चे जन्म लेते हैं, पर क्या आप जानते हैं जब उन बच्चों के दांत निकल आते हैं तो वो एक दूसरे को मारना पीटना और खाना शुरू कर देते हैं, और जो सबसे ताकतवर होता है वही जीतता है, और एंड में दो ही बच्चे रह जाते हैं जो कि इस दुनिया को देखते हैं। मेरा ये फैक्ट अब स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। तो गाइस, क्या आप जानते हैं पढ़ने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है? वो सुबह 4 से 6 बजे का टाइम है, क्योंकि उस टाइम हमारा दिमाग 100% काम करता है और हम बिल्कुल फ्रेश होते हैं, और जबकि 6 बजे से शाम के 8 बजे का टाइम हमारा दिमाग 50% काम करता है, और वहीं रात के टाइम हमारा दिमाग 20% काम करता है। तो इससे पता लगता है कि हमें रात को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, इंसान इस दुनिया का सबसे होशियार जीव नहीं है, बल्कि डॉल्फिन्स इस दुनिया का सबसे होशियार जीव मानी जाती हैं, और मानी जाती क्या हैं भी, क्योंकि वो अपने दिमाग का 20% यूज़ करती हैं, और जबकि इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में 8% तक ही अपने दिमाग का यूज़ कर पाता है। पर मेन बात यह है कि क्या आप जानते हैं, जैसे कि इंसान सुसाइड करते हैं, दुनिया में ऐसे 3 और जीव हैं जिन्हें बस ये समझ है कि सुसाइड क्या होता है, और डॉल्फिन्स, व्हेल्स और एप्स ऐसे जानवर हैं जो कि सुसाइड करते हैं। कोआला एक ऐसा जीव है जिसका फिंगरप्रिंट मेल खाता है बिल्कुल इंसानों के साथ, पर क्या आप जानते हैं डॉग्स का जो नोज प्रिंट होता है वो भी बिल्कुल मेल खाता है इंसानों के फिंगरप्रिंट के साथ। यूं तो एक जेलीफिश का साइज 1 mm से लेकर 6 फुट तक ही होता है, पर क्या आप जानते हैं द्रलोयन मेन एक ऐसी जेलीफिश है जिसका साइज ब्लू व्हेल से भी बड़ा हो जाता है, और उसकी लेंथ 98 फीट से लेकर 120 फीट तक हो जाती है। एक इंसान नॉर्मली 7 से 8 घंटे तक ही सोता है, पर क्या आप जानते हैं सोने का वर्ल्ड रिकॉर्ड 11 दिन तक है, और एक स्नेल 3 साल तक लगातार सो सकता है, और जबकि स्नेल के दांत 12,000 से 20,000 तक होते हैं। गैस इज नेचुरली ऑडरलेस, चाहे वो हमारा कुकिंग सिलेंडर हो या फिर गाड़ी का सिलेंडर हो, CNG, LPG, गैस की कोई भी खुशबू या फिर बदबू नहीं होती, वो जानबूझकर उसमें डाली जाती है ताकि कभी भी लीकेज हो तो हम प्रिकॉशंस लें और वो सिलेंडर ऑफ कर दें। साइकोलॉजी से पता लगा है कि अगर कोई इंसान रोता है और उसका आंसू लेफ्ट आई से पहले निकलता है तो वो बंदा बहुत ही दुख में होता है, अगर वहीं राइट आई से पहला आंसू निकलता है तो वो बंदा बहुत खुश होता है, और जबकि दोनों आंसू इकट्ठे निकले तो वो इंसान बहुत ही फ्रस्ट्रेट होता है। गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और एंड में सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।